सो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर आपका भाई ना आपको सिखाने वाला है फेस को स्मूथ एंड व्हाइट करने का रियली तरीका। आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहेंगे गाइस, आज का वीडियो में आपका भाई फेस को स्मूथ एंड व्हाइट करना सिखाएगा एंड अपने हेयर पे कुछ स्टेप से वाइप एंड करना सिखाएगा, जैसे ना आप मेरी स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एंड गाइस, अगले जहाँ से इसका फोटो ब्लैक कितना है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ये गाइस नॉर्मल फोटो है और हेयर भी कितना बेकार है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एंड जस्ट आपका भाई कुछ इसी टाइप की फोटो ही निकल के सिखाएगा, कुछ स्टेप से बनाएंगे अपने फोटो को। तो गाइस, अगर आपको मेरे जैसा कुछ स्टेप से अपने फोटो को बनाना है तो गाइस इस वीडियो को बिना स्किप के आप लोग देख लेते हैं, तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बेस्ट क्वालिटी पे आप अपने भाई की तरह फोटो बना पाएंगे, वही भी पूरा रियली तरीके से। एंड इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट, तो सिंपली आएंगे नॉर्मल फोटो में, सिंपली आपको एक एक स्टेप बता देंगे बहुत ही कम टाइम में। तो आपको सबसे पहले तो फोटो को स्नैपचैट ऐप के अंदर आप लोग शेयर कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। यहाँ पे आपको शेयर करके एंड सिंपली आपको थोड़ा सा टूल्स वाले ऑप्शन पे आना होगा। गाइस, आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है फेस को स्मूथ करने का, ठीक है। तो आपको सिंपली सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा, आराम से क्लिक कीजिएगा और फेस के ऊपर रखिएगा इस तरीके से। एंड इसको इस तरीके से करके और इसको यहाँ से ब्राइटनेस को प्लस करके और ब्लेंड कीजिएगा फोटो को। यहाँ से फिर से टूल्स पे और सिलेक्ट पे आएगा और आराम से इसी तरीके से आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और इस तरीके से मैं फिर से डन कर लेता हूँ। फिर से मैं आऊँगा टूल्स पे एंड सिलेक्ट पे आऊँगा और यहाँ पे जो भी ब्लैक पार्ट होगा आराम से इसको हाइड कर देंगे, आराम से घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, आराम से। तो अभी आप सब फोटो को देख पा रहे होंगे कि बिफोर में कैसा आपका भाई का फोटो था एंड आफ्टर में आपका भाई का फोटो कैसा बन चुका है। तो गाइस देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर में फोटो का। एंड आपको सिंपली क्या करना होगा, फोटो को यहाँ से आप लोग सिंपली ओपन करिएगा लाइटिंग ऐप के अंदर, सिंपली वहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग जो है आपको बताएंगे एंड एक एक स्टेप आपको बताएंगे, वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। सिंपली आपको लाइटिंग के अंदर अपने फोटो को गाइस लेकर आ जाना होगा एंड आपको आने के बाद आपको करने का होगा सब कुछ बता देंगे एक एक स्टेप, ठीक है। तो आपको सिंपली आना होगा लाइट वाले ऑप्शन पर, मैं लाइट पर आता हूँ एंड हाईलाइटेड कोऑर्डिनेट माइनस शैडो कोऑर्डिनेट प्लस एंड व्हाइट्स को माइनस और ब्लॉकेड को प्लस, ठीक है इस तरीके से, और कंट्रास्ट को हम लोग यहाँ से प्लस करेंगे। तो अब आप अच्छे से देखिए सेटिंग को, अच्छे से आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो जो माइनस एंड प्लस है आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आप लोग आराम से कर लीजिएगा। एंड आपको सिंपली आप कलर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर दूंगा, मैं कलर्स पर आऊँगा और मिक्स टूल पर क्लिक कर दूंगा और सिंपली मैं इस वाले टूल पर आऊँगा, इसके साथ हम लोग माइनस कर लेंगे और इसका लिमिनेंस को हम लोग प्लस कर लेंगे। तो देखते पा रहे होंगे आप खुद ही कि जो फेस है ना कितना ज़्यादा व्हाइट हुए आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब आपको करने का होगा सिंपली आपको इस वाले टूल पर आना होगा एंड इसका सेचुरेशन को एंड ह्यू को प्लस कर दूंगा इस तरीके का, फिर से आप लोग आइएगा और इसका सेचुरेशन आप लोग प्लस कर लीजिएगा एंड इसका ह्यू भी आप लोग इस तरीके से प्लस कर लीजिएगा। तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि जो बैकग्राउंड के कलर है कितना बेस्ट बन चुका है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एंड आपको इतना काम जो मतलब इतना टूल्स है मतलब बन चुका है, तो इसको आप लोग सेचुरेशन के बल इस सबका माइनस कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। के बाद सेचुरेशन को सारी को माइनस करके और रेड वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा, एक बार क्लिक करके इसका सेचुरेशन आप लोग प्लस कर लीजिएगा। मैं इसका सेचुरेशन प्लस कर लेता हूँ 64 और फोटो को यहाँ से मैं डन कर लूँगा। अब इस डन करने के बाद थोड़ा सा मैं इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आऊँगा और इफेक्ट पे आऊँगा एंड इसके क्या मतलब मैं आपको बताऊँगा। इसका क्लियरिटी को आप लोग प्लस कर लीजिएगा, मैं क्लियरिटी को प्लस कर लेता हूँ, यहाँ से क्लियरिटी को पूरा 100 करेंगे एंड यहाँ से सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर का ऑप्शन आपको मिलेगा तो इसको आप लोग आराम से थोड़ा सा 41 कर लीजिएगा, 41 कर लीजिएगा। तो देख लीजिए फोटो कितना बेस्ट बना है, बिफोर में फोटो को देख सकते हैं एंड आफ्टर में। एंड थोड़ा सा आपको करने के होगा, मैं फोटो को सबसे पहले तो जूम करता हूँ और इसका बिगनर वाले ऑप्शन को थोड़ा सा माइनस करूंगा 18 एंड इसके नीचे वाले ऑप्शन को इस तरीके से हम लोग पूरा 0 कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो देख लीजिए बिफोर में कैसा फोटो था गाइस एंड आफ्टर में कैसा फोटो बन चुका है। तो सिंपली आपको अब थोड़ा सा टाइम देकर अच्छे से फोटो को सबसे पहले तो आप लोग सेव कर लीजिएगा एंड सेव करने के बाद अपने फोटो को आप लोग सिंपली आप शेयर कीजिएगा, एक एक स्टेप बताएंगे, वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको आज बता देंगे फेस को स्मूथ एंड व्हाइट करने का ट्रिक एंड वाइप एंड करने का। अब फोटो को सिंपली आप लोग शेयर कर लीजिएगा। देखिए अगर आपको मेन मेन चीज सीखना होगा तो आप लोग वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, सिंपली आपको स्केचबुक ऐप के अंदर अपने फोटो को लेकर आ जाना होगा। तो अब आपको क्या क्या सेटिंग बताएंगे सब कुछ आप लोग एक ही स्टेप देखिएगा। तो ये क्या प्रॉब्लम है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी आएगा, इसीलिए गाइस आपको बोल रहे हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो अभी आप लोग सारी चीज़ों को क्लियर समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपको करने का होगा सिंपली यहाँ पे आइएगा एंड आपको यहाँ पे मतलब इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल पे एक बार क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक करके इस पर और इसको सिंपली हटा दीजिएगा और जिस फोटो को आप सेव किए थे जिस वाले फोटो को उस वाले फोटो पर आप लोग क्लिक करते हैं तो आपका जो फोटो होगा सिंपली यहाँ पर शो करने लग जाएगा, आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एंड आप लोगों का प्रॉब्लम होता है कि फेस को स्मूथ करने में भाई हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। एंड किस आज का वीडियो में आपका भाई फेस स्मूथ का मतलब रियल राज आपको बता देगा यार, आप लोग वीडियो को ही मिस नहीं कीजिएगा। तो सिंपली आपको थोड़ा सा मतलब ब्रश पे आ जाना होगा एंड आपको जो मैं ब्रश बताऊँगा आप लोग आराम से यूज कर लीजिएगा, फोटो को हाई क्वालिटी में बना पाएंगे। इस वाले ब्रश को आप लोग आराम से मतलब सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका भाई आराम से बताएगा सब कुछ एक एक स्टेप, ठीक है। आपको सेटिंग पर आ जाना होगा, इसका सेटिंग जो है
गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। फोलो को 5, स्टैंड को 5 के, इस दोनों को सेम किया। एंड इसका जो साइज होगा मैं 69 से कुछ मतलब 64 का लेता हूँ। साइज को जो है ना आप अपने हिसाब से कीजिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ से मैं कट कर दूंगा। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने फेस के ऊपर इस तरीके से मैं अपने ब्रश को अप्लाई कर दूंगा आराम से, ठीक है। अभी आराम से घबराइएगा बिल्कुल भी मत, आराम से अपने भाई की तरह आराम से इस तरीके से आप अपने फेस को स्मूथ कर लेंगे तो आपका जो फेस होगा ना बहुत ज़्यादा हाई एंसिडी बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये स्क्रीन पर देखने के बाद आपको 110% समझ में आ जाएगा। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कितना हाई क्वालिटी में आपका भाई यहाँ पे फेस को स्मूथ करें। आप लोग स्क्रीन पे लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे एंड आपको अच्छे से समझाएंगे सब कुछ एक एक स्टेप। वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, सिंपली इतना काम आपको देख पा रहे होंगे कि कितना हाई एचडी में आपका भाई करा है। कितना भाई है कि आपको वीडियो को फास्ट करके और जल्दी जल्दी करके बताए लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज आपका भाई ना वीडियो को थोड़ा सा भी फास्ट नहीं करेगा और आपको रियली तरीके से सिखाएगा फेस को स्मूथ करने का ट्रिक। तो आप लोग इस तरीके से आप अपने फेस को स्मूथ कीजिएगा, साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा और बड़ा करने के बाद आराम से अपने यहाँ से आराम से मतलब देख पा रहे होंगे कि 2 से 3 मिनट के अंदर मैं अपने फेस को स्मूथ कराऊँ। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो इस तरीके से आप अपने फेस को जस्ट स्मूथ कर लीजिएगा। बहुत ही हाई एचडी होता है स्मूथ, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इस तरीके से। मतलब थोड़ा सा टाइम देते हैं तो फेस को स्मूथ करने में 110% गारंटी, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी में आप अपने फेस को बना पाएंगे। तो मैं इसी तरीके से अपने फेस को बनाता हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो आप लोगों को यही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि फेस को कैसे स्मूथ करें एंड वाइट करें, एंड आपका भाई ना यही चीज़ क्लियर कर देगा इस वाले वीडियो के अंदर। आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना हाई मतलब इसको कितना जल्दी कर लिया हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एंड थोड़ा सा यहाँ पर बन चुका है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा अपने यहाँ पर। तो आराम से इसको भी आप लोग आराम से कीजिएगा, घबराइएगा मत, एडिटिंग के टाइम घबराइएगा मत, ठीक है। आपका भाई जैसे कर रहा है सेम आपको करने का होगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। घबराते हैं तो एडिटिंग के टाइम आप लोग घबराते हैं तो क्या होता है कि आप लोग अपने एडिटिंग को जब भी करते होंगे तो जो अगर आप घबरा जाते हैं तो अपने हाथ को अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते होंगे। लेकिन आपका भाई फेस को कितना हाई एचडी स्मूथ कर लिया, इतना काम आपको कर देना होगा। एंड आपको ऑयल पेंट करने के लिए फोटो को आप लोग सिंपली यहाँ से शेयर कर लीजिएगा। मैं अभी अपने फोटो को सिंपली कहीं शेयर कर देता हूँ, अभी मैं आपको कहाँ पर शेयर करूँगा सब कुछ एक एक स्टेप में मेन मेन काम को बता देंगे, जिसको आप लोग देखने के बाद एंड सीखने के बाद एंड समझने के बाद आप लोग भी मेरे जैसा फोटो को बना पाएंगे, ये आपका भाई का गारंटी है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को नहीं मिस करते हैं, अगर आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो अब आपको वाइल पेंट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए सिंपली आपको ट्विलविच ऐप के अंदर अपने फोटो को कहीं से लेकर आ जाना होगा। मैं आऊँगा और आने के बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं इफेक्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करूँगा, यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना होगा। मैं जस्ट क्लिक करता हूँ और सॉफ्ट स्मूथ पे क्लिक कर दूँगा, सॉफ्ट स्मूथ वाले ऑप्शन पे एक बार मैं क्लिक करता हूँ और इसमें क्लिक कर दूँगा और सिंपली मैं यहाँ से 4 नंबर को एंड मैं 5 नंबर को सिलेक्ट करूँगा। तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो ऑयल पेंट है कितना बेस्ट होता है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को मास्क पहना होगा एंड क्लीन कर देना होगा। एंड क्लीन करने के बाद आपको आराम से अपने हेयर के ऊपर अपने ब्रश को इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो आपका जो ऑयल पेंट होगा कितना रियली तरीके से कितना आसान स्टेप में हो रहा है आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे एंड समझ भी पा रहे होंगे। आप लोग आराम से थोड़ा सा भी घबराइएगा, मैं जितना हो सके उतना आराम से अपने दाढ़ी पे भी आप लोग आराम से कर लीजिएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। आपको जहाँ पे हेयर आपको दिखाई दे वहाँ पे आप लोग आराम से कर लीजिएगा, फोटो को यहाँ से आप लोग राइट कर लीजिएगा, आप लोग राइट कर लीजिएगा। तो देख पा रहे होंगे कि फोटो जो है ना गाइस कितना हैवी तरीके से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वाइल पेंट कितना हैवी तरीके से हो चुका है। एंड गाइस मैं आ सकूँ तो आप लोग वीडियो को समझ और फिर से बताओ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस इतना ही।